नमस्कार, आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण को हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में एक माना गया है। यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु द्वारा मृत्यु और मृत्यु के बाद से जुड़ी घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। मृत्यु को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यह ऐसा अटल सत्य है जिसे किसी के द्वारा टाला नहीं जा सकता है। साथ ही किसकी मृत्यु कब और कैसे होगी ये भी ईश्वर के अलावा कोई नहीं जानता है। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु आने से पहले व्यक्ति को कुछ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु होनी है उसे मृत्यु के कुछ समय पहले कुछ संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत इसलिए मिलते हैं क्योंकि मृतक मृत्यु के पहले अपने परिजनों व मित्रों से मिल सके और उनसे बात कर सके। अगर उसकी कोई इच्छा या काम अधूरा रह गया हो तो उसे भी वो किसी को बता सके। इसलिए व्यक्ति को मृत्यु से पहले ये संकेत मिलते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से संकेत हैं जो मनुष्य को मृत्यु से पहले दिखाई देते हैं। जब किसी की मृत्यु नजदीक होती है तो उसे अपने पूर्वज दिखाई देने लगते हैं। इसके साथ ही उसे अपने आसपास किसी साए के होने का एहसास होने लगता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के पहले व्यक्ति को एक रहस्यमय द्वार नजर आने लगता है। तो वहीं कुछ लोगों को इस द्वार में आग की लपटें भी दिखाई देते हैं तो कुछ को प्रकाश नजर आता है। मृत्यु नजदीक होने पर यमराज के दूत नजर आने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब मृत्यु में एक पहर का समय शेष रहता है। यमराज के दूत नजर आने पर व्यक्ति को अपने आसपास किसी तरह की नकारात्मक शक्ति होने का एहसास होने लगता है। व्यक्ति का समय निकट आने पर व्यक्ति की परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। उसे पानी, शीशा, घी या तेल में अपनी छाया नजर नहीं आती। जब व्यक्ति को स्वयं अपनी परछाई दिखना बंद हो जाए तो समझ जाए कि अब जीवन का कुछ समय शेष बचा है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु नजदीक हो तो व्यक्ति को उसके जीवन भर के कर्म याद आने लगता है। खासकर उसे बुरे कर्म ही याद आते हैं। वो अंतिम समय में अपने कर्मों के बारे में परिजनों व मित्रों का बताता है। मरने से कुछ समय पहले व्यक्ति घबराने लगता है, उसकी आवाज लड़खड़ाने लगती है, वह चाहकर भी बोल नहीं पाता है। दरअसल उसे यमदूत नजर आने लगते हैं और उनसे डरकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। मरने से पहले व्यक्ति को उजाला होने के बाद भी आसपास की चीजें नजर नहीं आती हैं। उसे हर जगह अंधेरा नजर आता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की हथेलियां में मौजूद रेखाएं भी मृत्यु का संकेत देने लगती है। जब व्यक्ति की मृत्यु आने वाली होती है तो हथेली में मौजूद रेखाएं हल्की और अस्पष्ट हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को कमजोरी की शिकायत नहीं है तो अचानक से उठते, बैठते या फिर सफर करते समय आँखों के सामने अचानक अंधेरा सा छा जाता है। अगर यह चीज बार बार हो रही है तो तुरंत ही सतर्क हो जाए। कई लोगों को अशुभ संकेत नजर आने लगते हैं। अगर व्यक्ति खुद को गधे में सवार होकर यात्रा करते हुए देखता है, सपने में मृत या पूर्वज व्यक्ति को देखना आदि भी मृत्यु के करीब आने के संकेत हो सकते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के कुछ महीनों पहले जिस इंसान को मुंह, जीभ, आंखें, कान और नाक पत्थर के जैसी होती महसूस होने लगे तो यह व्यक्ति की जल्द मौत होने का इशारा समझा जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अधिक आयु वाले व्यक्ति को जब अपनी छाया धर रहित दिखाई देने लगे तो उस व्यक्ति की मौत बहुत जल्द होने वाली होती है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के प्रकाश को देखने में असमर्थता महसूस करने लगे तो ये संकेत है कि जीवन के उसके पास कुछ क्षण ही शेष हैं। कहते हैं मृत्यु से कुछ समय पूर्व पहले व्यक्ति को ध्रुव तारा या सूर्य दिखना बंद हो जाता है, साथ ही रात में इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। यदि किसी व्यक्ति के सिर पर गिद्ध, कौवा या कबूतर आकर बैठ जाए तो यह उस व्यक्ति के महीने भर में काल के गाल में समा जाने का संकेत है। यदि व्यक्ति का बायां हाथ लगातार फिड़कता रहे, उसका तालू अधिकांश समय सूखा रहे तो उसकी मौत भी समीप हो सकती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं जिस व्यक्ति के सपने में उल्लू अथवा जली हुई लकड़ियां दिखाई देने लगती है उस व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु 21 से 51वें दिन के भीतर ही हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को अपना बचा हुआ समय परिवार जनों के साथ बैठकर प्रेम से व्यतीत करना चाहिए और अपने जीवन भर में की हुई गलतियों को सुधार लेना चाहिए। सपने में जली हुई लकड़ी उसकी मृत्यु को दर्शाती है जबकि उल्लू उसके काल को दिखाता है कि वह निकट ही है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।